अक्सर बैटिंग के टाइम जैसे ही बॉलर अपने रिलीज पॉइंट पर पहुंचता है, आप उसके रिलीज को देखते हो और लाइन लेंथ और टाइप ऑफ बॉल प्रेडिक्ट करते हो, पर अक्सर यह गलत भी हो जाता है और आप आउट हो जाते हो। इसी प्रॉब्लम को आज हम दूर करेंगे। वेलकम टू क्रिक साइंस। दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से आप फास्ट बॉलर या कि स्पिनर के लाइन और लेंथ को जज करके उसके अगेंस्ट बेहतर ढंग से बैटिंग कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। लेग स्टंप गार्ड लेना। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप खड़े कहां हो। यह स्टांस ही आपके ऑफ स्टंप के सही लाइन और लेग स्टंप के सही लाइन को तय करेगा। स्टांस लेने के बाद आने वाले सभी बॉल्स को आपको केवल दो भागों में बांटना है, वह है ऑफ स्टंप और लेग स्टंप। अभी मिडिल स्टंप की लाइन को छोड़ देते हैं। इस लाइन के अकॉर्डिंग आप ऑफ स्टंप के लाइन पर कवर ड्राइव के बेस्ट लेंथ पर कवर ड्राइव का शेडो कर अपने लिए सही लाइन और लेंथ की पहचान करेंगे। इसी तरह बैकफुट पर कवर ड्राइव या पंच के लिए आप सही लाइन और लेंथ पर शेडो करेंगे। इसी तरह आप ऑफ स्टंप के बाहर कट के लिए अपने लिए लाइन और लेंथ को पिक करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आप ऑफ स्टंप पर स्पिनर्स के अगेंस्ट स्टेप आउट और ड्राइव के लिए भी बेस्ट लाइन और लेंथ को स्पॉट करेंगे। ऑफ स्टंप की लाइन और लेंथ को पहचानने के बाद आप कुछ स्ट्रोक उस लाइन पर खेलने की कोशिश करें और आप देखें कि आप सही लाइन और लेंथ के अकॉर्डिंग सही स्ट्रोक खेल पा रहे हैं या नहीं खेल पा रहे हैं। अब आपको ऑफ स्टंप के सभी लेंथ का आइडिया हो चुका है। इनको आप और आसानी से पिक करने के लिए दो भागों बैक फुट और फ्रंट फुट में बांट सकते हो। आइए इस ड्रिल से लाइन लेंथ पिक करने को और इम्प्रूव करते हैं। ड्रिल 4-1। बॉल के पिच के अकॉर्डिंग स्ट्रोक खेलने के लिए आप कौन सा ड्रिल करते हैं? सर, एक 4-1 ड्रिल करता हूँ। इसमें आपको केवल चार बॉल खेलने हैं, जिसमें एक बॉल तीनों बॉल से अलग होगा और वह यूनिक बॉल किसी भी नंबर में आप बैट्समैन को फेंक सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको यूनिक बॉल के लाइन लेंथ को प्रॉपरली पहचान कर सही स्ट्रोक खेलना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो बार बार यह ड्रिल करें जब तक कि आप सफल ना हो। इसी तरह आप डिफेंस के साथ ड्राइव और अलग अलग स्ट्रोक को मिलाकर ड्रिल बना सकते हैं। ड्रिल 2, पिक द स्पॉट। सबसे पहले बैट्समैन को यह बताएंगे कि आपको कुछ बॉल खिलाया जाएगा, जिसमें हम कभी भी आपसे बॉल के पिचिंग स्पॉट को पहचानने के लिए बोल सकते हैं। तो आप बॉल के पिच को ध्यान से देखें। तेरे को कहाँ गिरा है बताना है। यहाँ बॉल के पिच को बताने में बैट्समैन ने गलती कर दी। कहाँ गिरा है? ठीक है, अब फोकस करना। आप देखेंगे कि थोड़े से फोकस से बैट्समैन लेंथ और सही लाइन पिक करने लगेगा। कहाँ गिरा था? ठीक है, चलो। अब ड्रिल 1 और 2 दोनों को मिलाकर नॉर्मल शॉर्ट डिस्टेंस से प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब लेग स्टंप की लाइन लेंथ को समझकर स्ट्रोक खेलने का प्रैक्टिस करें। सबसे पहले लेग स्टंप के गुड लेंथ पर स्वीप खेलने का शैडो करेंगे। इसी तरह लेग स्टंप पर स्टेप आउट एंड ऑन ड्राइव खेलेंगे। साथ ही साथ लेग स्टंप पर फ्लिक जैसे स्ट्रोक का शैडो भी करेंगे।
इसके लिए आप सभी ड्रिल ऑप्स्टम के जैसे ही करें। आइए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्टंप की लाइन को समझते हैं। सबसे ज्यादा बैट्समैन यहीं आउट होते हैं। इस लाइन को पहचानें और स्ट्रेट ड्राइव खेलने का शैडो करें। यहां तक तो ठीक है, पर जब बॉल एंगल के साथ रिलीज होती है तो आपको बेस्ट मिड पॉइंट को जानना जरूरी है, जहां बॉल आपको मिलेगी या कहें बैट से टकराएगी। तो इसे भी समझते हैं। आइए कुछ ऐसे स्ट्रोक देखें जो एंगल के साथ स्टंप लाइन में इंपैक्ट होता है। ऐसे एंगल बॉल को आप जज करने के लिए इन चीजों पर गौर करें। बॉलर का रिलीज के टाइम स्टंप से दूरी, बॉलर का बॉलिंग आर्म, बॉलर की सीम पोजीशन और रिलीज पॉइंट। इसे समझने के लिए पहला एग्जांपल फास्ट बॉलिंग का लेते हैं। इसमें लेफ्ट आर्म बॉलर ओवर द विकेट स्टंप से दूर होकर सीम पोजीशन को स्लिप की तरफ रखकर बॉल रिलीज करता है। नए बॉल में इस पोजीशन के साथ बॉल हमेशा स्टंप की लाइन में गिरकर ऑफ स्टंप से बाहर ही जाएगी। अगर सीम पोजीशन अंदर की ओर होता तो बॉल अंदर आने का चांस हो सकता था। दूसरे एग्जांपल को देखो। इसमें बॉलर एक नॉर्मल और एक बाउंसर डालेगा। आप अगर दोनों के रिलीज पॉइंट को देखें तो पाएंगे कि नॉर्मल बॉल में मैक्सिमम हाइट पर बॉल रिलीज हो रही है, पर बाउंसर में बॉल को लेट रिलीज किया जाता है। आप देखो कि बाउंसर जल्दी नीचे गिर रहा है और नॉर्मल बॉल ज्यादा देर तक हवा में आपकी ओर आ रहा है। इसी तरह स्पिनर में भी आपके आई लेवल से फिक्स करके रिलीज हाइट और फ्लाइट से बॉल का लेंथ जज करेंगे। गुड लेंथ बॉल आपके आई लेवल के नजदीक या उसके ऊपर होगा, वहीं शॉर्ट पिच बॉल आई लेवल से काफी नीचे होगा। दोस्तों, मेंटल वर्क में विजुलाइजेशन सबसे बढ़िया टेक्निक मानी जाती है, इसका उपयोग करें। जब नेट खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा नेट के पीछे जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या हुआ, क्या नहीं, क्या होना चाहिए। नेट के पीछे खड़े होकर आप विजुलाइजेशन करते हैं? यस सर। दोस्तों, लाइन लेंथ जज करने के लिए मेंटल वर्क में विजुलाइजेशन सबसे बढ़िया टेक्निक मानी जाती है, इसका अभ्यास करें। अब तक आपने जो समझा उसे इस बॉल को देखकर समझने की कोशिश करें। बैटिंग को एंजॉय करें। गुड लक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।